हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अबेकस लर्निंग करेंगे और सैटरडे संडे हमारी क्लास रहेगी, तो आज उसी के बेस पर हम लोग अपनी ये क्लास लेकर आए हैं। और जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी किसी भी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है। हमारी वजह से किसी को हेल्प हो जाएगा। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। कल हमने सिर्फ ये अपडेट किया था कि हम अबेकस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी ये बेसिकली फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में शुरुआत में हमने अबेकस अबेकस तो सुन लिया। अब बेसिकली अबेकस क्या होता है, आज की क्लास में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो फर्स्टली हमारे माइंड में ये आता है कि अबेकस किसने टाइप का होता है, टाइप ऑफ अबेकस। तो हमारे पास जो अबेकस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा चाइनीज अबेकस आता है, जैपनीज अबेकस आता है और रशियन अबेकस आता है, राइट। बट इंडिया में जो बेसिकली हमारा जो अबेकस यूज़ होता है वो अबेकस यूज़ होता है जैपनीज अबेकस, ठीक है। तो हमारे पास थ्री टाइप के अबेकस होते हैं, चाइनीज, जैपनीज एंड रशियन। और इंडिया के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है जैपनीज अबेकस, राइट। सो फ्रेंड्स, अबेकस इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि अबेकस कितने टाइप्स का होता है बेसिकली हमारी इंडिया में, क्योंकि जो जैपनीज अबेकस होता है ना, वो बच्चों को अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल होता है, इसीलिए जैपनीज अबेकस का यूज़ किया जाता है। तो अबेकस ऐसा नहीं है कि अभी हमारे साथ मतलब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो पूर्व में जो हमारे लोग थे, बेसिकली क्या होता था कि उनके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता था, तो वो अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए एक अबेकस को खुद से मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे। लाइक एक रेक्टेंगल शेप में कोई भी वुडन को वो लेते थे और उसके बीच में कुछ रोड्स को वो ज्वाइन करके उसके अंदर बीट्स डालते थे, और उन बीट्स को अप एंड डाउन करके क्या करते थे कि वो कैलकुलेट करते थे। तो उस टाइम के लोगों का क्या था, जो उनका लॉजिकल थिंकिंग था ना, लॉजिकल जो पावर था वो बहुत हाई था। अब हमारे साथ क्या इश्यूज हो रहे हैं कि हमारे बच्चे बेसिकली फ़ोन पर या कैलकुलेटर्स में ना कैलकुलेशन करते हैं, तो लॉजिकल जो है ना, मतलब हमारा ब्रेन एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आज वही है कि जो हमारे पूर्व में जो चीज़ें चल रही थी, हमारे पूर्वज जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, बस उन्हीं को थोड़ा सा मतलब न्यू ट्रेंड में हम लोग लेकर आए हैं। और अभी जो अबेकस जो है वो अभी मतलब कह सकते हैं ना कि आप बच्चों को कैलकुलेटिव बनाने के लिए एक यूज़ हो गया, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आज आपको अबेकस के। अबेकस ऑफ टाइप हमने आपको बता दिया, मैं अब आपको एक जैपनीज अबेकस दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। उसको हम दिखाते हैं कि अबेकस किस तरह का बेसिकली होता है, क्योंकि अबेकस क्या है वो देखना हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो फ्रेंड्स, ये एक जैपनीज अबेकस है, ये अबेकस मेरी डॉटर का है, ठीक है। ये सिंपली वुड में या फाइबर में या किसी और मतलब चीज़ों में मैन्युफैक्चर्ड होता है। इसका एक रेक्टेंगल शेप में लेकर, ठीक है, इसमें कुछ रोड्स इस तरीके से डाले जाते हैं, और रोड्स के अंदर सम बीट्स होते हैं, जिन बीट्स पर हम अप एंड डाउन करके इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अबेकस के अबेकस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है मैं आपको अब वो बता देती हूँ। तो आप देखेंगे इसको बड़े क्लोजली, हमारा अबेकस जो होता है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो टू पार्ट्स में क्या है, ये देखिए, ये बीच में इसको एक सपोर्ट दिया हुआ है, यानी कि इसको डिवाइड करने के लिए एक सपोर्ट दिया हुआ है। इसको हम आंसर बार भी कह सकते हैं, और नॉर्मली हम इसको बार भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक आंसर बार होता है, ठीक है। आंसर बार के ऊपर के जो बीट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे अपर बीट्स होते हैं, और जो नीचे के बीट्स होते हैं वो हमारे लोअर बीट्स होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम अपर बीट्स को क्या कहते हैं, हेवन बीट्स भी कह सकते हैं, और लॉ बीट्स को हम अर्थ बीट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अबेकस का लैंग्वेज है, हेवन बीट्स एंड अर्थ बीट्स, और नहीं तो सिंपली आप बोल सकते हो लॉअर बीट्स एंड अपर बीट्स, ठीक है।
इवन ये हमारा जो है, ये हमारा जो बीच में एक सेटअप होता है आप नियरली देख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है आंसर बार होता है, मींस जो बीट्स हमारे आंसर बार को टच कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको काउंट करके अपना आंसर देते हैं। अगर किसी बीट्स ने हमारे जैसे लाइक ये है यहाँ पर, ना तो इसका जो अर्थ बीट है वो आंसर बार को टच कर रहा है और ना ही इसका जो हेवन बीट है वो कर रहा है, तो इस टाइम इनकी वैल्यू भी जो है वो ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, इट्स मीन आंसर इज ज़ीरो, ठीक है। तो हमें पहले अपने अबेकस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो अबेकस है, इस तरह का अबेकस आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, 140 to 200 की रेंज में आपको इस तरह का अबेकस मिल जाएगा। तो फर्स्टली आज फर्स्ट क्लास में यही है कि जितने भी बेबीज़ हैं या जो भी मॉमीज़ अपने बच्चों को अबेकस का ये ट्रेनिंग करा रहे हैं या ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल जो भी आपके बजट में आता हो आप सिंपली एक अबेकस ऐसा ले लीजिए, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का बुक्स का आपको नीड नहीं है, आपको वर्कशीट प्रोवाइड की जाएंगी, उन वर्कशीट का आप या तो प्रिंट निकाल सकते हैं या नॉर्मल किसी भी नोटबुक में नोट डाउन करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी बात आती है कि इन बीट्स पर हम वर्क कैसे करेंगे, तो हर बीट्स की अपनी एक वैल्यू होती है, राइट, उस वैल्यू को हमारे बीट्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा क्या होता है कैलकुलेशन होता है। तो किड्स आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि बीट्स की वैल्यू क्या है, हेवन बीट्स एंड अर्थ बीट्स की वैल्यूज़ क्या होती है, उनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो सब बताएंगे। आज हमारा मेन पर्पस था आपको अबेकस के साथ इंट्रोड्यूस कराना, सो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में सभी एक अपने बजट में आने वाला इस तरह का एक अबेकस ले लेंगे, जैपनीज अबेकस है ये, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम आपको वैल्यूज़ बताएंगे कि किस बीट्स का कितना वैल्यू है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आप किसी भी क्लास को मिस ना कर पाएँ। 1 by 1 हमारी क्लासेस रनिंग होंगी, हम लेवल 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जूनियर लेवल है, ठीक है। सो जूनियर लेवल जो हमारा कम से कम चलता है 3 to 4 months चलता है, ठीक है, हाँ 3 to 4 months, राइट, ठीक है। कोशिश करेंगे कि क्लास बीच में स्किप ना हो, ठीक है। फिलहाल आप लोग इस तरह का एक अबेकस अरेंज कीजिए, ठीक है, बहुत रीजनेबल रेट्स में आपको जो भी मिल जाए आप उसको ले लीजिएगा, ऑनलाइन ले लीजिए या ऑफलाइन ले लीजिए, जैसा भी। ऐसा मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगी कि आपको कहाँ से लेना चाहिए, ठीक है। अबेकस लीजिएगा, नेक्स्ट टर्म में जो भी नेक्स्ट हमारा अभी कमिंग क्लास रहेगा हम उसमें बताएंगे कि किस बीट्स की क्या वैल्यू है, ठीक है, और हम कुछ उस टाइम पे सम्स को सॉल्व कर भी देखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल ये अबेकस है और अबेकस एक रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। यहाँ पे एक आंसर बार है, जो बीच में ये सपोर्ट है ये आंसर बार है, ठीक है। ये हमारे हेवन बीट्स होते हैं जो आंसर बार के अपर होते हैं और ये हमारे अर्थ बीट होते हैं जो हेवन बार के डाउन साइड होते हैं, ठीक है। हमारे जो हेवन बीट्स हैं वो हर रो के अंदर यानी कि हर स्ट्रॉ के अंदर 1 बीट्स होता है और जो हमारे अर्थ बीट है हर रो के अंदर 4 बीट्स होते हैं, राइट। तो अभी सिर्फ आपको यही समझना है कि ये आपका हेवन है, ये आपका अर्थ है, यह आपका आंसर बार है, ठीक है। इसको आप अपर बीट्स और लोअर बीट्स भी बोल सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे और बताइएगा कि आप बीट्स की वैल्यू जानना चाहते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्लास में बीट्स की वैल्यू पर बात करेंगे। थैंक यू।